दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को दुनिया का सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रायपुर के मैदान में एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव का बल्ला ऐसा दहाड़ा जिसे देखकर कंगारुओं के भी पसीने छूट गए। अकेले ही सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर तबाही मचाते हुए लिख दिया इतिहास। तो आखिर कैसे सूर्य कुमार यादव ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल 6 छक्के लगाकर ठोक दिया दुनिया का सबसे तेज शतक। जी हाँ, कैसे अपने बल्ले से सूर्या ने नेथन एलिस से लेकर एडम जंपा, यहाँ तक कि जेसन बैरनड्रॉफ, हर एक गेंदबाज की कुटाई करते हुए उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। गगनचुंबी चौके छक्कों से सजी सूर्या की अद्भुत शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सूर्य कुमार यादव जब मैदान पर उतरे तो 6 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 50 रन पर 2 विकेट में हो चुका था। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ पवेलियन लौट चुके थे। ईशान किशन का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान पर आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की जिम्मेदारी थी। सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरते ही शानदार अंदाज में टीम की पारी को संभालने के लिए एक के बाद एक धीरे धीरे चौके छक्के लगाना शुरू करते हैं, और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव अकेले ही अपने दम पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रखने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव मानो आज कुछ अलग सोच कर मैदान पर उतरे हों। उन्होंने चौके छक्कों की बौछार करना शुरू कर दिया। टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 100 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं तूफानी बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अर्धशतक ठोक दिया। फिर आपको बता दें कि वो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर रहम नहीं खा रहे थे, हर गेंदबाजों पर टूट कर प्रहार कर रहे थे। जेसन बैरनड्रॉफ से लेकर एडम जंपा, यहां तक कि ग्लेन मैक्सवेल, किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा। बेरहमी से धुनाई करने लगे और टीम इंडिया के स्कोर को 15 ओवर में 160 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव इतना बेरहमी से धुनाई कर रहे थे कि देखते ही देखते वो अपने शतक के करीब पहुंचने वाले थे। हर ओवर में सूर्य कुमार यादव 15 से 20 रन गेंदबाजों को ठोक रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से जबरदस्त तबाही मचानी शुरू कर दी। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने लगे। सूर्य कुमार यादव ने तो मैक्सवेल के ओवर में एक ऐसा छक्का लगा दिया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान हो गया। वो छक्का इतना लंबा था कि स्टेडियम के बाहर ही गेंद चली गई। सूर्य कुमार यादव को खुद अपने छक्के पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी बल्लेबाजी देखकर स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक भी हैरान थे। वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पूरी तरह से सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी से परेशान हो गए थे। सूर्या का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और देखते ही देखते चौके और छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने तूफानी शतक ठोक दिया। फिर भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी बल्लेबाजी देखकर पूरा हिंदुस्तान खुद ही झूम उठा, और हर कोई कहने लगा कि सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज हमने नहीं देखा। ये है असली 360 बल्लेबाज, और सच में जब इनका बल्ला दहाड़ता है तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देता है। इस मैच में ठीक वही हो गया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की शामत आ गई। सूर्य कुमार यादव ने अपना ये तूफानी शतक केवल 40 गेंदों में 100 रन ठोक कर पूरा कर लिया और पूरे क्रिकेट जगत को हैरान करके रख दिया। इस पारी में सूर्य कुमार यादव ने कुल 9 छक्के जड़े और 4 चौके लगाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान थी। टीम के कप्तान मैथ्यू बेट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सूर्य कुमार यादव को किस तरह से आउट किया जाए, क्योंकि वो सेट हो चुके थे और अपने अंदाज में चारों दिशा में गेंद को मैदान के बाहर भेज रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने अंत तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से सूर्य कुमार यादव का तूफान चौथे T20 मुकाबले में रायपुर के मैदान पर आ गया। मगर सूर्य कुमार यादव की खतरनाक पारी प्रैक्टिस मैच की कहानी थी। हर कोई उनसे यही उम्मीद कर रहा था कि चौथे मैच में सूर्य कुमार यादव ये बिल्कुल ऐसा ही अंदाज में खेलें, ऐसे ही उनका बल्ला दहाड़े। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है। पहले मैच में भारत ने रोमांचक अंदाज से 2 विकेट से जीत दर्ज की, लेकिन दूसरे मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 44 रन से जीत मिली। लेकिन तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वापसी करते हुए आपको बता दें कि भारत के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की। ऐसे में अब चौथा T20 मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है,
जिसमें सूर्य कुमार यादव ने पारी की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है, जो पिछले मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे और मात्र 6 रन का योगदान देकर आए थे, लेकिन यहां पर एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताते हुए बड़ी पारी खेलने की उम्मीद की है। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया है, जो पिछले मैच में 123 रन का योगदान देकर आए थे और अपने उप कप्तान होने की जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया था, लेकिन यहां पर उप कप्तान की जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त कर दिया गया है, लेकिन सलामी बल्लेबाज के रूप में इन्हीं को खेलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन को शामिल किया है, जो पिछले मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन लगातार 2 मैचों में लगाकर आए हैं। ऐसे में एक बार फिर से इनको टीम में शामिल किया गया है। तो वहीं पे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अपने आप को शामिल किया है, जो पिछले मैच में 39 रनों का योगदान देकर आए थे और भारत के लिए महत्वपूर्ण पारी खेली थी ताकि भारत बड़े लक्ष्य तक पहुंच पाए, लेकिन एक बार फिर से यहां पर स्वयं उन्होंने अपने ऊपर भारत की जीत की जिम्मेदारी ली है। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर को शामिल किया है, जो टीम के अंदर उप कप्तान की भूमिका में रहने वाले हैं। आपको बता दें कि हालांकि वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अब यहां पर 2 मैच के लिए टीम के अंदर शामिल हुए हैं। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर श्रेयस अय्यर के आते ही उनको टीम का उप कप्तान घोषित कर दिया गया। ऐसे में श्रेयस अय्यर के आ जाने से तिलक वर्मा को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है और अब श्रेयस अय्यर 3, 4 या 5 में से किसी भी पोजीशन पर बेहतर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं पे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह को शामिल किया है, जो भारत के लिए काफी बेहतरीन पारी खेल कर आए हैं और मजबूती के साथ साथ भारत को नामुमकिन से लगने वाली जीत भारत के पक्ष में करवाई है। ऐसे में रिंकू सिंह के ऊपर एक बार फिर से बेहतरीन पारी खेलने की जिम्मेदारी रहने वाली है। तो वहीं पे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि अक्षर पटेल पिछले मैच में भारत की हार का कारण बने और काफी खराब गेंदबाजी और बल्लेबाजी पूरी सीरीज के अंदर करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में एक बार फिर से इनको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अब इनकी जगह पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है, जिनका घरेलू टूर्नामेंट काफी ज्यादा बेहतर रहा है। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन गेंदबाज के तौर पर रवि बिश्नोई को शामिल किया, जिन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे। ऐसे में एक बार फिर से इनके ऊपर बेहतर गेंदबाजी का जिम्मा होगा। इसके अलावा तेज गेंदबाज के रूप में सबसे पहले अर्शदीप को शामिल किया गया है, जो पिछले मैच में 1 विकेट लेकर आए थे। ऐसे में एक बार फिर से इन्हें शामिल किया गया है। इसके अलावा दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर आवेश खान को शामिल किया गया है, जो पिछले मैच में मुकेश कुमार की जगह पर टीम में शामिल हुए और बेहतर गेंदबाजी कर 1 विकेट हासिल किया। ऐसे में एक बार फिर से इनको शामिल किया गया। इसके अलावा अंतिम गेंदबाज के रूप में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी जगह पर दीपक चहर को शामिल किया गया, जो पिछले मैच में मुकेश कुमार के रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल हुए थे। ऐसे में एक बार फिर से दीपक चहर के ऊपर बेहतर गेंदबाजी की जिम्मेदारी है। ऐसे में अब इन 11 खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4थे T20 मैच को जीतने के लिए मैदान पर उतरने वाली है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम 4थे T20 मैच में किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरने वाली है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे में 4था मैच रायपुर के मैदान पर खेला जाने वाला है। तो आइए जरा इस मैच से संबंधित सभी आंकड़ों के बारे में जरा एक बार बारीकी से चर्चा करते हैं। दोस्तों, दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो अब तक दोनों के बीच में 29 बार T20 में आमना सामना हुआ है, जिसमें भारतीय टीम ने 17 बार जीत हासिल करी है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 12 बार जीत हासिल की है। इसके अलावा 1 मैच बेनतीजा साबित हुआ। तो वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारतीय सरजमी के रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच में 13 मुकाबले खेले गए और 3 सीरीज रही हैं, जहां पर भारतीय टीम ने 7 मैच और 2 सीरीज जीती हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैच और 1 सीरीज अपने नाम करी है। इसके अलावा 1 मैच बेनतीजा साबित हुआ। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 4था रोमांचक T20 मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके रिकॉर्ड्स काफी ज्यादा शानदार है। इस स्टेडियम पर अभी तक कुल 6 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर 2 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम और 4 मैच पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। तो वहीं पे इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 147 रन है। तो वहीं इस मैदान पर अभी एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला गया है। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल स्टेडियम का पिच रिपोर्ट भी काफी शानदार है। यहां पे बड़े स्कोर की पिच नहीं है, बल्लेबाजों को यहां चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि खेल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पिच स्लो होती जाएगी। शुरुआती ओवरों के बाद स्पिनर्स यहां कहर ढा सकते हैं,
जबकि पेसर्स को यहां पे सफल होने के लिए वेरिएशन और स्लोवर डिलीवरी पर विश्वास जताना होगा। ऐसे में इस मैदान पर जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा।